बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा रविवार को ली गई पुलिस अवर निरीक्षक पद की परीक्षा का प्रश्न और आंसर रविवार को वायरल हो गया। दोनों शिफ्टों के वायरल प्रश्न पत्र और आंसर को परीक्षार्थियों ने सही बताया है। हालांकि प्रभात खबर इस सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। परीक्षार्थियों ने कहा कि व्हाट्सएप पर वायरल प्रश्न ही परीक्षा में पूछे गए थे, जबकि परीक्षा हॉल से प्रश्न पत्र बाहर ले जाने की अनुमति नहीं थी। परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट साथ में जमा करनी थी। प्रश्न पत्र और आंसर वायरल होने पर परीक्षार्थियों में आक्रोश है। मालूम हो कि बिहार पुलिस में दारोगा के 1275 पदों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई थी। भर्ती परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक की थी। अभ्यर्थियों को एग्जाम शुरू होने से 1.5 घंटे पहले अपने अपने सेंटर पर रिपोर्ट करना था। एग्जाम शुरू होने से 1.5 घंटे पहले सेंटर का गेट बंद कर दिया गया था। इसके बाद भी प्रश्न पत्र व आंसर वायरल हो गया। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित पुलिस अवर निरीक्षक पद की परीक्षा में रविवार को आरएन कॉलेज पंडौल सेंटर से प्रश्न पत्र लीक करने की बात सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बेनीपट्टी की रहने वाली ऋतु कुमारी का सेंटर आरएन कॉलेज में था। परीक्षा केंद्र पर उसके साथ उसका पति संजीव कुमार भी आया था। द्वितीय पाली में जैमर में तकनीकी खराबी आ गई थी। किसी कारण ऋतु ने मोबाइल के माध्यम से प्रश्न पत्र को अपने पति संजीव को भेज दिया। फिर क्या था, संजीव ने बाहर से प्रश्न को सॉल्व कर अपनी पत्नी को भेज दिया। सेंटर पर जांच के दौरान अभ्यर्थी को पकड़ लिया गया। इस बात की जानकारी तत्काल ही केंद्राधीक्षक ने वरीय अधिकारियों को दी। बताया जा रहा है कि सदर SDO अश्विनी कुमार मौके पर पहुंचे और व्यापक रूप से पूछताछ की, जिसके बाद पति और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में सदर SDO अश्विनी कुमार कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं और कहा कि सारी जानकारी सोमवार को दी जाएगी। अभी तक जांच चल रही है। इस प्रारंभिक परीक्षा में करीब 85% यानी कि 5,61,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के OSD ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में कुछ 9 अभ्यर्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित भी किया गया है। इसमें 3 अभ्यर्थी OMR शीट लेकर चले गए थे। कुछ लोगों को चीट के साथ नकल करते पकड़ा गया। वहीं पहली पाली में भागलपुर, गया, जहानाबाद, अरवल और हाजीपुर से एक एक और दूसरी पाली में मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सिवान और मधेपुरा से एक एक अभ्यर्थियों को परीक्षा से निष्कासित किया गया। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।